मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक की। बैठक की जानकारी देते हुए गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा, आने वाले जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा और मोहर्रम जैसे बड़े कार्यक्रमों में सार्वजनिक रूप से झांकी, पंडाल या बड़ी मूर्ति लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं मिश्रा ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से नहीं होगा। उन्होंने कहा, सभी जिला कलेक्टर जन्माष्टमी से पहले क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक कर जिले की गाइडलाइन जारी करें। वहीं कोरोना संक्रमित आंकड़ों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में रिकवरी रेट 73% हो चुकी है। 734 हमारे नए केस आए हैं प्रदेश में और 719 रिकवर होके डिस्चार्ज भी हुए हैं। आप कल की भी देख रहे होंगे और पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे, डिस्चार्ज होने की संख्या अच्छी है। रिकवरी रेट हमारी 73% के ऊपर मध्य प्रदेश में है। देश में हम 16वें नंबर पर है। अभी तक 15 पे थे, अब 16वें में हो गए। 2-3 दिन के अंदर हमारी टेस्ट संख्या और बढ़ने वाली है। उस टेस्ट संख्या बढ़कर हम 21,000 टेस्ट तक चले जाएंगे। अगले हफ्ते से हमारी कोशिश होगी 30,000 टेस्ट रोज हो। एंटीजन टेस्ट की संख्या को भी हम बढ़ा रहे हैं। रिकवरी रेट यही कारण है कि हमारी 74% के ऊपर निकली है। स्वतंत्रता दिवस को जो कार्यक्रम सार्वजनिक होता था, जैसा पूर्व में तय किया था कि सभी मंत्री अब भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में रहेंगे, जिलों में नहीं जाएंगे। जिलों के अंदर होने वाले कार्यक्रम कि जो प्रदेश सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है वही होगा। उसमें जो बच्चे आते थे, स्कूल के रंगारंग कार्यक्रम होते थे, वो सब इस बार प्रतिबंधित हैं। ये कार्यक्रम जो पूर्व की गाइडलाइन है वही रहेंगे, जो शासकीय कार्यक्रम है। एवं जो प्राइवेट कार्यक्रम भी हैं, प्राइवेट संस्थाएं भी अगर कोई करती हैं तो उन्हें अनुमति है, पर जो शासकीय गाइडलाइन है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी, उसी तरह के कार्यक्रम को वो कर सकते हैं। शासकीय की बैठक आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली है। आज तय किया है कि प्रदेश के अंदर जो धार्मिक कार्यक्रम, अभी धार्मिक उत्सवों का ये महीना है, इन धार्मिक उत्सव के महीने में जैसे भगवान श्री गणेश जी की झांकी लगती है, जन्माष्टमी आ रही है, मुहर्रम आएगी, नवदुर्गा आएंगी, इन कोई भी कार्यक्रम में किसी भी पंडाल लगाने की या बड़ी मूर्ति लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी आयोजन परिवार के अंदर, घर के अंदर ही संपन्न करें, पूजा आराधना। मैं यहां यह कहना भी मुनासिब समझता हूं कि 12 तारीख को जन्माष्टमी के पहले यानी 8-9-10 तारीखों में सभी कलेक्टर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक को आवश्यक रूप से कर लें और इस महीने के बारे में अपनी गाइडलाइन बना लें।